नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। प्रोफेसर गौरव बल्लभ नाम तो सुना ही होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव बल्लभ ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और तुरंत भाजपा की वॉशिंग मशीन में डुबकी लगा के भाजपा का पट्टा पहन लिया है। मतलब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा ज्वाइन कर ली है। वैसे उन्होंने जिस तरह से सनातन और हिंदुत्व वाली दुहाई देते हुए सनातनी राग अलापा था, उसी से लग गया था कि बस कुछ ही घंटों में ये भाजपा में दिख जाएंगे। हालांकि जाते जाते उन्होंने जो पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है वो भी चर्चाओं में है। लोगों का कहना है कि भाई पार्टी छोड़नी ही थी तो छोड़ देते, काहे जबरदस्ती के इल्जाम लगाकर पार्टी छोड़ रहे हो। जाते जाते उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो इस्तीफा सौंपा उसकी कॉपी सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि वे न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और दिन तक तो उनके भाजपा में ज्वाइन करने की खबरें भी आ गई और फोटो और वीडियो भी आ गए। तो सीजन चुनाव का है और इस चुनावी सीजन में नेता लोग इस पार्टी से फुदक कर उस पार्टी में जा ही रहे हैं और सबसे ज्यादा जाने वाले नेताओं में कांग्रेस के नेता हैं जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और भाजपा ज्वाइन करने की खास वजह बताई जा रही है डर। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, ईडी और सीबीआई का डर। क्योंकि कब किस पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते, कोर्ट से राहत मिले या ना मिले, लेकिन भाजपा ज्वाइन करते ही सारे केसेस से छुटकारे की गारंटी है। अब प्रोफेसर गौरव वल्लभ के मामले में क्या जोर किया वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गौरव वल्लभ को कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था और उस वक्त संबित पात्रा से उनकी हुई बहस 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं काफी मशहूर हुई थी। उसके बाद 2019 में उन्हें झारखंड में जमशेदपुर पूर्वी की सीट से विधानसभा का टिकट दिया लेकिन हार गए। दूसरी बार उन्हें 2024 में राजस्थान विधानसभा में उदयपुर शहर से टिकट दिया लेकिन यहां भी रिकॉर्ड मतों से हार हुई। और अब गौरव वल्लभ ने पार्टी ही छोड़ दी है। छोड़ते छोड़ते उन्होंने जो लिखा और कहा आपको सुना देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखते हुए गौरव ने कहा कि नमस्कार, भावुक हूं, मन व्यथित है, काफी कुछ कहना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है और मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। महोदय, मैं वित्त का प्रोफेसर हूं, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल करने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष दमदार तरीके से देश की महान जनता के समक्ष रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जहां पर युवा बौद्धिक लोगों की उनके आइडिया की कद्र होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे यह महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है और जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है। इसके कारण पार्टी न तो सत्ता में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका ही निभा पा रही है। इससे मेरे जैसा कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो कि राजनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो न हंतव्यो मान धर्मो हतोस्वधित। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं शुद्ध हूँ। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूँ। पार्टी के इस स्टैंड से मुझे हमेशा असहज किया, परेशान किया। पार्टी व गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। इन दिनों पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। एक और हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आने लगे हैं। यह कार्यशैली जनता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेष के ही हिमायती होने का भ्रामक संदेश दे रही है। यह कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। आर्थिक मामलों पर वर्तमान समय में कांग्रेस का स्टैंड हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने का, उन्हें गाली देने का रहा है। आज हम उन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण यानी एलपीजी नीतियों के खिलाफ हो गए हैं जिसको देश में लागू करने का पूरा श्रेय दुनिया में हमें दिया है। देश में होने वाले हर भी निवेश पर पार्टी का नजरिया हमेशा नकारात्मक रहा। क्या हमारे देश में बिजनेस करके पैसा कमाना गलत है? महोदय, जब मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी उस वक्त मेरा
ध्येय सिर्फ यही था कि आर्थिक मामलों में अपनी योग्यता व क्षमता का देश हित में इस्तेमाल करूंगा। हम सत्ता में भले ही नहीं है, लेकिन अपने मैनिफेस्टो से लेकर अन्य जगहों पर देश हित में पार्टी की आर्थिक नीति निर्धारण को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन पार्टी स्तर पर यह प्रयास नहीं किया गया, जो मेरे जैसे आर्थिक मामलों में जानकार व्यक्ति के लिए किसी घुटन से कम नहीं है। पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाविहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे मिले स्नेह के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। शुभकामनाओं सहित। गौरव वल्लभ के इस इस्तीफे के बाद कुछ ही घंटों में भाजपा ज्वाइन कर ली। अब शायद उनसे अगर पूछा जाएगा कि उन्होंने भाजपा क्यों ज्वाइन की, तो हो सकता है वो भी कह दे कि रात को सोया था और सुबह उठा तो लगा कि मुझे तो कांग्रेस में नहीं भाजपा में होना चाहिए था, तो बस मैंने मन की आवाज सुनी और भाजपा ही पट्टा डाल लिया। इस बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।